जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान तारबंदी योजना 2024। जी हाँ दोस्तों, जो भी किसान भाई बहन हैं वो अपने खेतों में तार वार की बाड़बंदी करना चाहते हैं, उनके खेतों में गाय गुई जिंगड़ा जांगड़ा आवारा पशु उनकी फसल का नुकसान करते हैं, सूर सार होते हैं ना, सूअर वगैरह ये फसल का नुकसान कर देते हैं, तो इस नुकसान को बचाने के लिए सरकार एक योजना लेकर के आई है जिसका नाम है तारबंदी योजना। जी हाँ साथियों, इस तारबंदी योजना से आपका फायदा ये होगा कि अगर आपके जमीन है और आप उसमें फसल लगाना चाहते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको पैसे देगी सरकार तारबंदी के लिए। मान लो आपके पास पैसा नहीं है भाई तार तूर लगाने के लिए, जाड़ जूड़ लगाने के लिए, तो सरकार आपको 48,000 रुपए देगी जिससे आप अपने खेत की तारबंदी कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आवेदन इसके शुरू रहते हैं, ये एक योजना है, इसके कोई लास्ट डेट नहीं होती है, ठीक है साथियों। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी जो भी भर्ती आएगी तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलो देख लेते हैं भैया, तारबंदी योजना बाड़बंदी योजना थारी के है के ना है, देख लें एक बार। राजस्थान किसान तारबंदी योजना 2024, 48,000 रुपए की सहायता मिलती है सरकार के द्वारा। अच्छा, और इसमें एक ये सिस्टम है भैया, सिस्टम ये है कि पहले आओ पहले पाओ। जी हाँ, और ऑनलाइन आवेदन करना रहता है, ई मित्र से ही आवेदन होगा, राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे। राजस्थान किसान साथी पोर्टल है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, लेकिन आप उसमें अपने मोबाइल से आवेदन नहीं कर सकते हो, वो ई मित्र की जो साइट होती है, ई मित्र वाले के पास होती है, उसी से खुलता है ये, ठीक है। वैसे कोशिश हमने भी कर ली है, वैसे नहीं खुल सकता ये, ई मित्र वाला ही अपनी आईडी लगा करके, क्योंकि ई मित्र जिसको मिलता है ना उसमें कोड रहते हैं दोस्त, और उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप ऐसे ई मित्र की दुकान नहीं खोल सकते हो, पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कोड मिलते हैं, फिर उसके बाद में ये खुलती है साइट। तो ये ई मित्र से ही ऑनलाइन होगा। अगर आपको लेना है ये लाभ तो आप ई मित्र पे जाके संपर्क कर लेना। दस्तावेज जरूरी क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो आप ई मित्र पे जाके संपर्क कर लेना कि भैया इसकी साइट चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही हो तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, और नहीं चल रही हो तो थोड़ा इंतजार करना, फिर बाद में चलेगी तब भर देना। अच्छा, अब देखो इसके पात्रता और शर्तें क्या हैं वो देखते हैं। व्यक्तिगत किसान के पास जमीन होनी चाहिए 1.5 हेक्टेयर। अगर आप अकेले इसका लाभ लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास जमीन कितनी होनी चाहिए? 1.5 हेक्टेयर। साहब, 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन होती है? तो 1 हेक्टेयर में मान के चलो 3.5 बीघा, ठीक। तो अगर आपके पास 5 बीघा के लगभग जमीन है तो आपको आराम से ये सहायता मिल जाएगी, अकेले को भी। 5 बीघा थारकन वे तो कर दो आवेदन, अकेला भी कर दोगा, कोई समस्या नहीं है, पैसा मिलेगा थान। और अगर 5 बीघा ना वह 2 बीघा वह 2.5 बीघा वह, तो आप 2 किसान भाई मिलके भी योजना का लाभ ले सकते हो। 3 मिल जाओ, 4 मिल जाओ, 1-1 बीघा है तो 5 मिल जाओ, और 5 मिलकर के फिर आप इसका लाभ ले सकते हो। और जैसे मान लो तुम्हारा खेत ये है, ठीक है, और इसके बगल में ये दूसरा खेत है, फिर ये एक तीसरा खेत है, ऐसे सारे मिलकर के भी कर सकते हो, तो फिर आर पार ही तार खिंच जाएगा। एडस लगा, अइया लगा, अइया लगा, आर पार खिंचगा। अब यह होगी टोटल 5 बीघा जमीन, कितनी होगी साहब? 5 बीघा जमीन। तो ऐसे फिर इसका पूरी का बाड़बंदी हो जाएगी, तारबंदी हो जाएगी, सरकार आपको पैसा देगी, आधा पैसा देगी सरकार, पूरा नहीं देगी, आधा पैसा। मान लो एम 40,000 को खर्चो आयो, थान 20,000 रुपया मिलेगा। अगर एम 50,000 को खर्चो आओगे 25,000 मिलेगा।
तो ऐसे अगर मान लो आपके 90,000 का खर्चा है तो 45,000 रुपये सरकार आपको दे देगी, 80,000 का खर्चा है तो 40,000 सरकार दे देगी। इतना है इसमें, आधा पैसा मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, अधिकतम है वो। तो समूह में भी आप अपनी जमीन का बाड़बंदी करवा सकते हो, स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी स्वयं के पैसे से। सबसे पहले तो आपको खुद पैसा लगाना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद में आप अपना पैसा लगा करके फिर उसको करोगे, ठीक है। अच्छा साहब, और टोटल खर्चा लगेगा उसका 50% हिस्सा सरकार का है, जितना भी खर्चा लगेगा वो 50%, आधा रुपया सरकार दे देगी थान। अधिकतम राशि 48,000 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा 48,000 तक दे सकती है सरकार। 80,000 खर्चो मान लो लागो 5 बीघा में, लागे भी कौन, 80,000 थोड़ी लागेगा, ये तो ज़्यादा ज़मीन हो तो बात है, 10 बीघा हो, 20 बीघा हो, 100 बीघा हो, तो उसकी आप करना चाहते हो तब बैठेंगे, 48,000 सरकार देगी आपको आधे पैसे, ठीक है। हाँ जी, और ऐसे नहीं है कि 48 ही बैठे पूरे तो सरकार 48 का 48 दे देगी ना। अगर आप 80,000 का बिल लेकर के जाओगे ना उस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तब आपको 40,000 रुपये देगी सरकार, कि भाई 80,000 का बिल है तो 40,000 आधा रुपया देगी सरकार, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा साहब, अब देखो इसके दिशा निर्देश देख लेते हैं। फसल सुरक्षा मिशन, नीलगाय आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए ये योजना चलाई गई है कि भाई देखो जो भी किसान भाई बहन हैं उनकी खेती को नुकसान कर देते हैं ये जंगली सुअर आते हैं, ये उसका हुड़दंग कर जाते हैं, फसल को बर्बाद कर जाते हैं, इनकी वजह से फिर तारबंदी बाड़बंदी की योजना चलाई गई है। और कोई सोसाइटी इसका लाभ नहीं ले सकती, कोई स्कूल इसका लाभ नहीं ले सकता, कॉलेज वगैरह इसका लाभ नहीं लेगा, कोई भी धार्मिक स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, मंदिर हो, ट्रस्ट हो, इनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको लाभ क्यों दिया जाएगा, वो तो किसान की जमीन के लिए लाभ मिलेगा, ठीक है ना, इनको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई सोचे साहब मंदिर के लगा दो तारबंदी कर दो ना, कोई लाभ नहीं दिया जाएगा उसको। तारबंदी में करंट नहीं लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि झटका मशीन लगा देते हैं कई किसान, वो झटका मारता है फिर वो, तो कोई भी पशु आ रहा है जैसे मान लो छोटे छोटे झिंगड़े हैं, बछड़े हैं, तो उनको करंट लग जाता है तो वो बेहोश भी हो सकते हैं, बहुत हाई वोल्ट का भी छोड़ते हैं, कुछ गधे तो ऐसे हैं जो हाई वोल्ट का करंट छोड़ते हैं, उससे पशुओं की मौत तक हो जाती है, ये तो सबसे बड़ा महापाप है, ये पुण्य का काम नहीं है मेरे दोस्त। अरे जितना क्या खा लेगा वो, ज़्यादातर एक मुँह खा लेगा, दो मुँह मार लेगा, और क्या खाएगा, पूरे खेत को थोड़ी खा जाएगा वो। और राम जी की चिड़ियाँ, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, तो ये सब प्रकृति तुम्हारी नहीं है, ये तो प्रकृति कुदरत की देन है मेरे दोस्त, ये खेत खलियान, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये सब कुछ यहीं रह जाता है, इंसान साथ नहीं लेके आता है, इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला ही जाता है, ये तो अपनी अपनी इच्छा हो जाती है, मन है अपना, ये अंदर से मां ये भी मेरा ये भी मेरा करते रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है अपना, तो सीधी बात मैं कहूँ तो, ये झटका वगैरह लगाना, ये करंट वगैरह छोड़ना, ये जीवों की हत्या करना, ये गलत है, इसलिए सरकार भी इसको आपको पहले ही मना कर रही है कि झटका मशीन अगर आप लगाते हो तो पूरे पैसे वसूल लिए जाएंगे आपसे, जो भी सरकार आपको पैसा देगी तो, ठीक है। अच्छा साहब, ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए ये देखो, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, और नई जमाबंदी की नकल आपको निकलवानी है, खसरा संख्या रहते हैं जिसमें, मान लो 4-5 किसान मिलकर के कर रहे हो तो सारा की जमाबंदी निकलाओ और फिर लगाओ डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी, सबकी खाता संख्या होगी, जिस खाते में आप पैसा लेना चाहते हो उसकी पासबुक की फोटोकॉपी लगाओ, और तारबंदी में कितना खर्चा लगा है उसका बिल भी आपको लगाना पड़ेगा कि साहब इतने गट्ठर तार के आए हैं, इतनी खंबी आई हैं, इतने ये आए हैं, इतने ये आए हैं, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको लगाना पड़ेगा, बिल लगाना पड़ेगा कि साहब 80,000 1,00,000 कितना हमारा बिल है, इसको आपको स्कैन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन ही मित्र पे जाके, तब आपको वो पैसे मिलेंगे, और कम से कम 7-8-10 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर आपका सबमिट हो जाता है अच्छी प्रकार से तो आपको आधा पैसा वापस मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा आधा मिलेगा, 1,00,000 रुपए की आप बिल लगाते हो तो 48,000 रुपए आपको मिलेंगे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा 48 ही हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, चाहे तुम तो 1 करोड़ खर्च करो, पूरे गाँव की ठेकेदारी ले लो, सरकार तुमको 1 करोड़ नहीं देगी, वो तो 48,000 ही देगी बस, अगर कम करते हो तो उसका आधा,
ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही ई मित्र पे जाके संपर्क कर लीजिए कि भैया राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे जाके चेक करो, आवेदन अगर चालू है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बस नकल निकलवानी है जमाबंदी की, खाता सब पासबुक और तारबंदी का खर्चा कितना आया है उसका बिल, बस बाकी आधार जन आधार सबके पास है। तो आई होप आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक वीडियो अगर प्यारी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।